अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता है यहाँ पहुँचने के लिए मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करके आना पड़ा? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता सकती थी? महेश लूथरा घर वापस आ गया है। व्हाट? महेश लूथरा घर वापस आ गया? वो इस वक्त घर के अंदर है? तो फिर तुम घर के बाहर कैसे नहीं हुई? अरे मेरा मतलब है कोई चमत्कार हो गया क्या? हाँ, जानकी बुढ़िया की तरह कहीं उसकी आदत भी चली गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं बेबी, उसकी हालत तो जानकी बुढ़िया से भी बदतर हो गई है। उसकी जुबान ही चली गई है, वही जुबान जिससे वो मेरी सच्चाई बताने वाला था, मेरा पर्दाफाश करने वाला था। बेचारा कोमा में चला गया है। व्हाट? लेकिन एक बहुत बुरी बात है। क्या? कि मुझे उसका चेहरा दिन रात देखना पड़ेगा, घर में पड़ा हुआ जो रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या क्या क्या? कि तुम्हें पता है ना कि जो इंसान कोमा में रहता है वो सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन हिल डुल नहीं सकता। अरे मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा? जानकी बुढ़िया जो है ना, हाँ, उसकी आंखें खुली रहती थी और कान, और वो पड़ी रहती थी पुतली भाई की तरह, और मैं भरतनाट्यम करता रहता था उसके सामने। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है ना? हाँ एकदम वैसे ही। मुझे देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन बेबी। लेकिन क्या? लेकिन कभी ना कभी तो वो कोमा से बाहर आएगा ना, और जिस दिन वो कोमा से बाहर आ गया ना, तो मुझे वो इस घर से बाहर कर देगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेबी, वो कोमा में गया है, कोमा में। अरे कोई मिरेकल या चमत्कार थोड़ी ना होगा कि वो दो चार दिन में कोमा से बाहर आ जाएगा। जो इंसान कोमा में जाता है ना, कोमा से बाहर आने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, और हम इसी वक्त को अपना बेस्ट वक्त बनाएंगे। पता है कैसे? देखो, जब तक महेश लूथरा कोमा में रहेगा, लूथरा डिप्रेशन में रहेंगे, गम में डूबे रहेंगे, और हम क्या करेंगे? उन्हें बर्बाद। हम लूथरास को फाइनेंशियली बैंक्रप्ट कर देंगे, उन्हें रोड पर ले आएंगे, उनका सब कुछ, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। है ना कमाल का प्लान? पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? डोंट वरी बेबी, मैं अभी अंदर जा रही हूँ और डबल स्पीड में अपना काम शुरू कर देती हूँ, और फिर तुम कहो कि वाह बेबी क्या गुल खिला है। गुल नहीं, इस बार गुलिस्तान खिला देना तुम। बाय बेबी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू अस। टाइम पे कौन फोन कर रहा है यार? नहीं, रात को सृष्टि क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ सृष्टि बोलो, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? सैमी बस ऐसे जी घबरा रहा था, सब ठीक तो हो जाएगा ना? क्या बात है सृष्टि, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पहले बताओ, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। लेकिन तुम मुझे बताओ तो तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है इससे हमारी फैमिलीज के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े खत्म तो हो जाएंगे ना सैमी? सब पहले जैसा हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। देखो ना सृष्टि, इतने दिनों में इतना कुछ हो गया, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार करण भाई का गुस्सा शांत हो जाए ना, थोड़े कूल हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है सैमी, दी कितनी कोशिश कर रही है खुद को संभालने की, अपना दर्द छुपाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में है। पहले तो मुझे लगा था कि इतना सीरियस मैटर नहीं है सैमी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि ये दिल का मैटर है। मैं उनकी फीलिंग्स, उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ सैमी। और कैसा है ना, तुम्हारी फैमिली से एक भी बंदा दी पे ट्रस्ट नहीं करता। नहीं मतलब जो बंदा दी पे इतना विश्वास करता था, आंख बंद करके भरोसा करता था, कुछ लेने खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले दी की राय लेता था, जिसके लिए दी सबसे सही थी और बाकी सारे गलत, आज उसी के लिए दी गलत हो गई और सारे बाकी सारे सही हो गए। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी नजर लग गई, क्या हो रहा है? मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना इस चीज से, मैं क्या बताऊं सानी। सृष्टि तुम एकदम ठीक कह रही हो, एक टाइम था जब दोनों फैमिलीज में कितना प्यार था, एक दूसरे के लिए कितना केयर करते थे, एक दूसरे की कितनी फिक्र करते थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया,
सप्रीता के अगेंस्ट हो गए, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। सैमी, तुम तो मुझ पर विश्वास करोगे ना, तुम मेरा साथ हमेशा दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो सृष्टि, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू सैमी। ठीक है, रखती हूँ, बाय। गुड नाइट। प्रीता, पुत्र रिश्ते खराब नहीं होते, कभी कभी वक्त और हालात खराब होते हैं और उनके कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। शायद इसलिए कल तक जो हमारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमारा आने वाला कल सुंदर हो, खुशियों से भरा हो। पुत्र, कल गुस्से में आके मैंने तुझे हॉस्पिटल में बहुत कुछ सुना दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। I'm really very sorry, बेटा। नहीं रखी, ऐसे मत कहिए। माँ तो गुस्सा भी करती है तो वो आशीर्वाद ही होता है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। सबको साथ ले आऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देने। Congratulations. ये प्रीता का आशिक मेरा पति परमेश्वर प्रीता पे आज भी इतना लट्टू है कि उसकी शादी की न्यूज सुनकर अपनी खाने की प्लेट छोड़ के खड़ा हो गया। हाय ये आशिकी। थैंक यू राख्यांती, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। मैं वाकई बहुत डर रही थी कि अपने पूरे परिवार के बिना मैं ये शादी कैसे करूंगी। प्रीता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पुरानी बातें पकड़ के जिंदगी भर बैठ जाती है। मैं उनमें से हूँ जो पुरानी बातें भुलाकर अच्छी यादों के सहारे आगे बढ़ते हैं। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीता, तुम भाई से मिलने आई हो ना, मिलो और जाओ। गिर कैसे गई? लाओ अपना हाथ दो, उठो। ये तो पहली ठोकर थी, ना जाने ऐसे कितनी ठोकरें मिलेंगी तुम्हें। लेकिन उस वक्त ना तो तुम्हें बचाने कोई आएगा ना ही उठाने। मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी तुम? तुम्हें लगी तो नहीं ना? Are you all right? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चलिए। समीर। जी दादी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, गोली लिया पुत्र। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? पहले दर्द नहीं था, प्रीता के आने के बाद दर्द शुरू हो गया है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है,
पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है वो। कृतिका, ये प्रीता और इस घर की क्या कहानी है जिसमें इतना इमोशन, इतना पेन और इतना प्यार भी है? माहिरा, ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है। इतनी खूबसूरत कि शायद तुमने ऐसी कहानी पहले कभी सुनी नहीं होगी। आंटी जी, एक काम कीजिए, ये दीजिए, ये लीजिए, आप इसे रख दीजिए और आंटी जी के लिए पानी ले आइए। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए। कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ पृथ्वी, लेकिन रीता उन लोगों से अलग हो ही नहीं पा रही। क्या पता वहां क्या हो रहा होगा। दो पुराने आशिक मिलके पुरानी बातों, पुराने प्यार पे रो रहे हो, जो हुआ उसके लिए पछता रहे हो, फिर से दोनों के दिल मिल रहे हो। अरे ये भी तो हो सकता है कि प्रीता जी और करण बार बार ऐसे मिलने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार ऐसे मिलने से उनका पुराना प्यार फिर से मिल जाए। प्रीता जी के लिए उस गिल्ली डंडा के आशिक में फिर से प्रीता जी के लिए आशिकी जग जाए। कहीं ऐसा ना वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को बोलते और प्रीता जी मुझसे शादी ना करे। कहीं वो प्रीता जी को मेरे खिलाफ भड़का ना दे, कहीं वो प्रीता जी से मेरी शादी ना तोड़वा दे। ओ गॉड, क्या हो रहा होगा वहां पर। अपने आशिक का फोन, उससे बात करने के लिए मरे जा रही हो ना, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तुम्हें। क्योंकि वो अच्छे हैं, तुमसे तो बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहे हो? ला, फोन दो मेरे। दिया था, बात करने के लिए ही फोन दिया था, लेकिन लगता है तुम्हें मुझसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए तड़प रही हो तुम। राइट, कल मुझे मेरा फोन दो। चल लो, कट गया। अगर उस ताड़ी वाले बकरे से बात करनी है तो इस घर से बाहर जाके बात करो, समझी तुम? देखो करण, तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन पृथ्वी एक नंबर का कमीना है, उल्लू का पट्टा है, सबसे ज्यादा गलत इंसान है। और हाँ, तुम ये जो शादी कर रही हो ना, ये तुम्हें सजा मिल रही है। तुमने ये सब जो गलत किया ना, ये सब की सजा। तो उससे शादी करके ज्यादा खुश मत हो, समझे तुम? कैसी बातें करते हो तुम? मैं यहाँ अंकल को देखने के लिए आई हूँ और तुम मुझे अंकल को देखने नहीं, तुम यहाँ सबको अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हो। इनविटेशन से याद आया, प्रीता और तुम्हारी शादी में यहाँ से कोई नहीं आएगा, ना मैं और ना ही मेरी फैमिली, कोई भी नहीं आएंगे, सब आएंगे। तुम्हें बस यही करना आता है ना, हाथ पकड़ के घर से निकालना। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि इस घर से निकल जाओ। आंटी जी, प्रीता जी मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लूथराज ने उनकी फिर से बेइज्जती की, उनकी इंसल्ट की उन पर बरस पड़े? आंटी जी, एक बात कहूं, अगर कोई प्रीता जी की बेइज्जती करता है ना, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। तो आंटी जी, तो आप बताइए ना, अब हम क्या करें? मुझे कुछ करना होगा पृथ्वी। ये इंसान है कि कान खजूरा, जब देखो सबके कान पड़ता रहता है। खसमानु खाना, देखो किसे पेंजी के कान भर रहा है। पेंजी भी ना इसके बहकावे में आ जाती है। इस क्रिकेट का उनको रंग बदलता हुआ नहीं दिखता। अब आप क्या करने वाली है जिससे प्रीता जी वहां नहीं जाएंगे? आंटी जी, मेरा मतलब है, आज से पहले भी कितनी बार आपने प्रीता जी को मना किया, उसके बावजूद प्रीता जी ने आपकी एक नहीं सुनी, हर बार चली जाती है लूथरा हाउस। आंटी जी, आई मीन टू से कि प्रीता जी बहुत इमोशनल है, रिश्तों में बह जाती है, बातों में बह जाती है, भावनाओं में बह जाती है। वो इतनी अच्छी है कि किसी की भी बातों में आ जाती है, बस अपनी माँ की बातों में नहीं आती। हम सबने देख लिया कि माँ की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। प्रीता जी का जब भी अपमान होता है, ऐसा लगता है सिर्फ उनका नहीं, हम सबका अपमान हुआ है। आंटी जी, अब तो मैं ये भी नहीं कहूंगा
कि प्रीता जी का अपमान हुआ है, बल्कि यूं कहूंगा कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ है। और अगर कोई मेरी पत्नी का अपमान करे, उनकी बेइज्जती करे, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पृथ्वी, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि प्रीता और उस घर के सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आंटी जी अब आप ऐसा क्या करने वाली है? जुत्ती मेरी हैगी कम सारी कट दी वम तेरे तो भी ज्यादा वखरा सुहागनी पंद्रह मिनट में पहुंचा हूं तुम्हारे घर। वेरी गुड। अच्छा सुनो ना बेबी, हमारी लाइफ में ना बहुत ड्रामा चल रहा है। आई मीन टू से मेलो ड्रामा चल रहा है। मैं सोच रही थी एक ब्रेक ले ले। एक मूवी देखने चले क्या? कौन सी मूवी? जजमेंटल है क्या? What? ये क्या बोल रही हो? ओह गॉड, ये मूवी का टाइटल है जजमेंटल है क्या? और तुम्हें पता है बेबी, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी। मतलब पागल बनती है, फुल टू मसाला मूवी, बहुत मजा आएगा। चलो ना चलते हैं। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? इस मूवी में कंगना और राजकुमार राव है, मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। क्या एक्टिंग करते हैं, अरे पावर हाउस है एक्टिंग के पावर हाउस। तुम्हें पता है मूवी का प्लॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मर्डर और दो सस्पेक्ट्स। प्लीज प्लीज लेट्स गो ना। क्या बात कर रही हो बेबी जान, थ्रिलर मर्डर सस्पेक्ट ये सारी चीजें आती है ना, तो पिक्चर अपने आप इंटरेस्टिंग बन ही जाती है। मैं काम करता हूँ, टिकट्स बुक कर दूं क्या? आज ही चले क्या फिल्म देखने? अरे आज कैसे जा सकते हैं, मूवी 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। तो मैं काम करता हूँ, एडवांस बुकिंग कर देता हूँ उस फिल्म की। हाँ दैट्स लाइक माय बेबी। अच्छा सुनो, तुम भी जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूँ। ओके मिलता हूँ जल्दी। ओके बाय। क्या बात है, पहले हम एक दूसरे को बोलते थे मेंटल है क्या, और अब पूछेंगे जजमेंटल है क्या। इंटरेस्टिंग। इस फिल्म की टिकट तो मैं अभी के अभी बुक करूंगा। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं दिल खोल के आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे दिल और दिमाग में सब क्या चल रहा है। हेलो। हेलो राखी जी। सरला जी मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं? शर्मिंदा तो मैं हूँ अपने आप से, नहीं अपनी बच्ची को उतना प्यार नहीं दे पाई जितना आपने और आपके परिवार ने दिया। वो रहती यहाँ है लेकिन उसका दिल आपके घर में बसा है। आपने उसकी इतनी बेइज्जती करी, उसे इतना रुलाया, उसे घर से धक्के मार कर बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के बारे में सोचती है। मैं तो बल्कि भगवान से झगड़ा करना चाहती हूँ कि क्यों उन्होंने मेरी बेटी को इतना प्यारा दिल दिया, इतना प्यार भर दिया उसके दिल में कि उसे बार बार आपके घर की, आपके परिवार की, सबकी याद आती है। बार बार वो आपके घर जाना चाहती है। मुझे पता है आज भी जब वो आपके घर आई होगी तो आप लोगों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया होगा। अपनी शादी का न्योता देने आई थी ना राखी जी, मैं हाथ जोड़कर बड़े सम्मान के साथ आपसे वो शादी का न्योता वापस ले रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में बिल्कुल मत आइएगा। मेरी बेटी की शादी में आकर उसका माहौल खराब मत कीजिएगा, मत आइएगा प्रीता की शादी में, ना आप ना आपके परिवार से कोई भी।
महिषी, लगता है प्रीता और हमारे बीच जो रिश्ते की आखिरी डोर थी वो भी आज कट गई। ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या बात है बेबी। यू नो व्हाट, अपने बॉयफ्रेंड को पैम्पर करना कोई तुमसे सीखे। मतलब मेरे स्वागत में इतना सारा डेकोरेशन, ये सब इंतजाम, क्या बात है। वैसे तुम्हारी वो गुस्से वाली माता रानी का है, उन्होंने ये सब देख लिया, मुझे यहाँ देख लिया तो। काम डाउन। जिस दिन हमने महेश लूथरा का एक्सीडेंट कराया था ना मॉम, उसी दिन फॉरेन ट्रिप पे निकल गई। क्या बात कर रही हो, इसका मतलब कबाब से हड्डी निकल चुकी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब कबाब को कबाब खाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बेबी, आज हम दोनों की रात है। कितने दिनों के बाद हम ऐसे मिल रहे हैं ना। हरीश क्या कर रहे हैं, सफेद फूल सारे मत लगाना, थोड़े से ये गुलाब वाले। और हाँ जी बीजी, वहाँ पर ऐसे क्या हो रहा है। क्या बीजी, सुबह से सब लोगों को तूने यहाँ काम पे लगाया हुआ और काम अभी तक नहीं खत्म हो रहा है। बीजी तू यहाँ क्या कर रही है। अरे मैं जानकी की बात नहीं कर रही। बीजी मैं जानकी की ही बात कर रही हूँ। जब मैं जानकी की बात ही नहीं कर रही तो तू जानकी की बात क्यों कर रही है। अरे बीजी क्योंकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसे हॉल में होना चाहिए था, वहाँ इतना सारा काम पड़ा है, तू यहाँ क्यों आ गई है। देख सरला, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे और हल्दी की रस्म शुरू होगी, उसके बाद सब मेहमान यहाँ नाश्ता भी करेंगे, उसके बाद हमें कुमकुम भाग्य हॉल भी जाना है। ये सब काम मुहूर्त के हिसाब से कैसे होगा। बीजी तभी तो मैं जानकी से पूछ रही हूँ कि वो यहाँ क्या कर रही है, इसे तो वहाँ हॉल में होना चाहिए था ना, सारा काम देखना है ना वहाँ का। और आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बात कर लूंगी ना कॉन्ट्रैक्टर से। तेजी मेरी बात तो सुन लो, मैं वही कुमकुम भाग हॉल का काम संभाल रही थी। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कप्पू भाई साहब आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि नाश्ते में क्या बनेगा। तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, कल रात को बैठ के मैंने सारी फोन पे उसको लिस्ट बताई है और उसे पता है क्या क्या बनाना है, अब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। क्यों, तेरा भाई है। पीछे आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, जो भी करो लेकिन कम से कम टेंशन मत लो। आप टेंशन ले लोगे, आपकी तबीयत को कुछ हो गया ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और पीछे जरा सी देर की बात है, यहाँ हल्दी का फंक्शन खत्म हुआ और हमने हॉल पे चले जाना है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ओ लकी इधर आ। जी। क्या हो रहा है, इतनी धीरे धीरे काम क्यों हो रहा है। इस हॉल की सजावट अभी पूरी नहीं हुई है, तू कुमकुम भागे मैरिज हॉल की सजावट कैसे करेगा। तुझे याद है ना मेरी बेटी की शादी है, प्रीता की शादी है, इतने सालों से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तू मेरे हॉल का। अगर तूने काम ठीक से नहीं किया ना तो मैं बता रही हूँ आज के बाद ना एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली मैं तुझे। नहीं बहन जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपका सारा काम टाइम पर कर दूंगा और ये घर भी ऐसा तैयार करूंगा कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, और कुमकुम भाग्य हॉल भी ऐसा सजाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। लकी बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ हिलाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलना, अपने आदमियों को काम करेंगे। ले गुरु। हरीश वहाँ पे लगाना ठीक से। और बीजी तू अभी तक यही खड़ी है, अरे जा जाके देख प्रीता तैयार हुई है कि नहीं, उसका जोड़ा तैयार हुआ है कि नहीं, चल चल जा जल्दी। चंगा जी। बीजी आप जरा जाके कप्पू को देख लो ना, मुझे पता है वो अपना काम ठीक से करे, लेकिन आप सर पे खड़े रहोगे ना तो अच्छे से काम करेगा। हाँ हाँ तो फिक्र ना कर, मैं जाती हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो। अरे सरला बहन जी, जी बेटी दी शादी दी बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत जी, जी। खुशबू ढोलक तूने ही बजानी है। हाँ जी हाँ जी। आप लोग अंदर कमरे में बैठो, मैं आती हूँ। आज मेरी प्रीता की शादी हो जाएगी, लूथरा परिवार को लेके जो कुछ भी उसके दिल में, उसके दिमाग में जिसे लेकर वो घूमती है, वो आज उन सबसे उसका पीछा छूट जाएगा। आज लूथरा परिवार से सारे रिश्ते टूट जाएंगे। हाँ नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, एक्चुअली मुझे घर पे कुछ काम है ना, तो आई एम रियली सॉरी, बाय। कृतिका मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम आज क्या कर रही हो, फ्री हो क्या। हाँ फ्री हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो। आज वो मूवी रिलीज हो रही है ना, जजमेंटल है क्या, मैंने सुना बहुत ही डिफरेंट मूवी है, और बाकी मूवी से ना वो जरा हटके है, उसकी स्टारकास्ट भी बहुत स्टनिंग है, कंगना रनौत एंड राजकुमार राव। मूवी ना अपने आप में ही जजमेंटल है, टाइटल भी कितना कैची है, तो मैंने सोचा कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम ये मूवी देखें क्या। ओके ओके हमें मूवी जरूर देखेंगे और आज ही देखेंगे, फाइन। ओके तो मैं टिकट बुक करती हूँ। ओके okay.
चल।